नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का आज मैं बेहद ही खास वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर कर दिखाने वाला हूँ। अब तक दो प्रॉब्लम मैंने वैसे ही सॉल्व करके दिखाए हैं, लेकिन ये तीसरा वाला आखिरी प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे आपके डाउट भी क्लियर होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। श्री नवीन रेड्डी इज़ वर्किंग एज फाइनेंशियल एडवाइजर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। हिज इनकम पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। बेसिक पे 15,300 रुपीज़ पर मंथ, कमीशन 67,000 रुपीज़, फॉलोइंग अलावेंसेस आर पेड बाई द कंपनी, CCA 3,000 पर मंथ, कन्वीनियंस अलावेंसेस 1,500 रुपीज़ पर मंथ, 75% स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पस, HRA 4,000 रुपीज़ पर मंथ। ही लिव्स इन हीज फादर्स हाउस। द कंपनी पेड द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन टू PPF 2,500 पर मंथ, रीपेमेंट ऑफ पर्सनल लोन 14,400। He received a rent 78,000 from the tenant, municipal taxes, property 7,500, interest on bank deposit 46,000, including 19,300 interest on saving bank account, and interest on debenture, company gross 51,900. He paid professional taxes 3,000 rupees, medical insurance premium 4,000 rupees, deposit of 15,000 rupees in UTI framed scheme for the benefit of his physically handicapped daughter, and donated the following amount: Prime Minister National Relief Fund 8,000 rupees, Sri Satya Sai University 10,000, Indira Gandhi National Open University 2,000, his investment to NSC 8 issue 64,000. He is having one son and daughter. The daughter is physically handicapped and not having any earning at all. Compute the total income and tax liability for the assessment year. तो ये रहा आपका प्रॉब्लम, बेहद ही अच्छा वाला प्रॉब्लम है ये। हम ये प्रॉब्लम में बेसिक एक एक करके, पहली बात तो हम कैलकुलेट करेंगे, पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। इसमें ये जो है ना प्रॉब्लम, इसमें कुछ भी उन्हें निकाल के दिया नहीं। जैसा पिछले अपन दो प्रॉब्लम देखे थे उसमें सब कुछ कैलकुलेट करके दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें सैलरी कैलकुलेट करना है, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना है। तो वन बाय वन मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर नवीन रेड्डी इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है हमें। हाँ, तो सबसे पहली हेडिंग सैलरी में सैलरी रहेगा, बेसिक पे लिखा जाएगा। सबसे पहले बेसिक पे का अमाउंट जो प्रॉब्लम में दिया वो है 15,300 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करने पर ये होने वाला है 1,83,600। इसके बाद में प्रॉब्लम में कमीशन भी दिया, कमीशन का अमाउंट देखिए आप 67,000 वो निकाल के दे दिया था। फिर अलावेंसेस, अब अगर अलावेंसेस की बात करें तो सबसे पहले है CCA 3,000 रुपीस पर मंथ मेंशन करा प्रॉब्लम में, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 36,000। इसके अलावा कन्वीनियंस अलावेंसेस ये जो अमाउंट है वो दिया है देखिए 1,500 रुपीस पर मंथ, 1,500 रुपीज़ पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा देखिए 15,000 रुपीज़। मगर हमें 25% ही लेना है, क्योंकि 75% वो यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग जो यूज़ नहीं हुआ वो लिखना पड़ता, उसके ऊपर टैक्स लग जाता। तो 25% होगा देखिए 4,500। नेक्स्ट है HRA। वैसे HRA का अमाउंट लिखा जाता सबसे पहले तो
12 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा देखिए 48,000, जिसमें से एग्जेम्पशन लेस करना होता है एग्जेम्पशन, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी एग्जेम्पशन देने की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद के ही मकान में रह रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जेम्पशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो फादर के मकान में रह रहा है। इसके बाद में हम लिखेंगे परक्विजिट्स। प्रॉब्लम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ मेंशन करा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 2500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा 30,000। इसके अलावा कंपनी की तरफ से इसका लोन भी पेमेंट हो रहा, पर्सनल लोन, रीपेमेंट ऑफ पर्सनल लोन, ऑफ पर्सनल लोन ये मेंशन करा देखिए 14,400। तो अब तक का टोटल आएगा जिसे हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी, ये है 383,500। अब इसमें से डिडक्शन लेस होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। प्रॉब्लम में प्रोफेशनल टैक्स दिया देखिए, प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 थर्ड, ये है 3,000 रुपीस, ये लेस होने पर आएगा 380,500। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां पर एक बिट खत्म हो गया, यानी कि हम सैलरी कैलकुलेट कर लिए। अब सैलरी हो जाने के बाद में हम करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब ये रेंट कितना दिया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, ये प्रॉब्लम में मेंशन करा है देखिए 78,000 फ्रॉम द टेनेंट, 78,000 है। इसमें से सबसे पहले लेस होगा म्यूनसिपल टैक्स, जो कि ये प्रॉब्लम में दिया है 7,500, ये लेस करने पर आ जाएगा 70,500। इसे कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। फिर हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये 30% होता है हमेशा, तो 70,500 का 30% होगा 21,150, ये लेस करने पर आ जाएगा 49,350। वैसे अगर कभी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पेमेंट ऑफ हाउस अगर कभी मेंशन करा तो वो भी यहाँ पर लिख के माइनस करना, फिल वक्त ये प्रॉब्लम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी कैपिटल गेन के बारे में तो प्रॉब्लम में कुछ दिया नहीं और ना ही बिजनेस की इनकम दिया, हालांकि अदर सोर्सेस के थोड़े बिट दिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का प्रॉब्लम, वो किसी भी किस्म का दे सकता, हो सकता कि आपको हाउस प्रॉपर्टी के अलावा सैलरी के अलावा बिजनेस भी मालूम करना पड़ जाए, बिजनेस की इनकम,
या फिर अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन की इनकम भी मालूम करना पड़ जाए, हो सकता। फिलहाल ये प्रॉब्लम में तो मौजूद नहीं है। तो अदर सोर्सेस के इस प्रॉब्लम में क्या क्या बिट दिया है ये देखिए ज़रा। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये एक किस्म का अदर सोर्स है। इसका अमाउंट है 46,000 रुपीज़। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दिया प्रॉब्लम में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है देखिए 51,900। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में एक अमाउंट है सो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट भी दिया। वो असल में अब अंडर सेक्शन TTA यानी कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आपको डिडक्शन के तौर पे देना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम में। फिलहाल इसका टोटल हुआ है देखिए 907 और 9, यानी कि 97,900। चलिए तो अब हमने इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर ली है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट कर ली है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे फिर टैक्स निकालेंगे। तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बॉक्स बनाइए, इसमें डिडक्शन भी देना होगा इसलिए थोड़ा केयरफुली से रहना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर नवीन रेड्डी, रेड्डीज टोटल इनकम, टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। ओके, तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी देखिए 380,500 आया था। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये देखिए 49,350 आया है। इसके बाद में अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आंसर है 97,900। तो ये पूरा तीनों का टोटल हो जाएगा 5,27,750। इसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक एक करके हम डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, सबसे पहले क्वालिफाइड सेविंग, पहले नंबर पे है क्वालिफाइड सेविंग अंडर सेक्शन 80C। इसका थोड़ा वर्किंग नोट देख लीजिए आप। तो क्वालिफाइड सेविंग दो किस्म के प्रॉब्लम में दिया है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू PPF, ये हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। 2,500 पर मंथ इंटू 12 करने पर 30,000। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8, इसका जो अमाउंट वो मेंशन किया है वो है 64,000। टोटल हो गया 94,000। वैसे इसकी लिमिट 1,50,000 की है लिमिट, तो फिलहाल तो ये लिमिट से कम ही है तो ये ले सकते हैं 94,000 रुपीज़। इसके बाद हम करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D। इस प्रॉब्लम में तो 4,000 ही दिया है, वैसे 25,000 रुपीज़ भी ले सकते थे अगर देता तो। 25,000 रुपीज़ नॉर्मल के लिए और कोई बुज़ुर्ग है तो उसके लिए 30,000 रुपीज़। तीसरा पॉइंट है, हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे अब हैंडीकैप के लिए, मेडिकल मेडिकल क्लेम फॉर हैंडीकैप, मतलब 80DD। ये अगर कभी मामूली है तो 75,000 की लिमिट है और अगर कभी सीवियर होती है तो 1,25,000 रुपीज़ की लिमिट है। प्रॉब्लम में कहीं पर भी मेंशन नहीं करा कि ये सीवियरली हैंडीकैप डॉटर है इसकी, तो इसीलिए हम 75,000 ही ले लेंगे।
इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन सेविंग कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, SB डिपॉजिट, यह है डिडक्शन अंडर सेक्शन ATTTA। वैसे ये 10,000 तक की लिमिट है, और प्रॉब्लम में जो दिया उसका अमाउंट है देखिए 19,300, तो हम 10,000 ही लेंगे क्योंकि लिमिट 10,000 तक ही है। इसके बाद में एक डोनेशन भी दिया था, ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एक है, श्री सत्या साई यूनिवर्सिटी एक है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक है। इसका वर्किंग नोट देखिए आप, डोनेशन अंडर सेक्शन ATG। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये 100% लिखना चाहिए, तो 8,000 का 100% हो जाएगा टोटल 8,000। फिर दूसरे नंबर पर है श्री सत्या साई यूनिवर्सिटी, श्री सत्या साई यूनिवर्सिटी 10,000 दिया है प्रॉब्लम में, इसका 50% ही लेना होगा, अदर यूनिवर्सिटी का ये हो जाएगा 5,000। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU इग्नू, इसका अमाउंट है 2,000 रुपीज़, और 50% हो जाएगा देखिए 1,000, तो ये कुल मिला के हो गया है 14,000 रुपीज़। यह है डोनेशन अंडर सेक्शन जी, डोनेशन अंडर सेक्शन ATG, यह है आपका 14,000। तो अब तक का ये पूरा टोटल देखिए आप, ये हो जाएगा 1,97,000, 1,97,000, और लेस करने पर आपको आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम उसमें से लेस करने के बाद आंसर आ रहा है देखिए 3,30,750। अब इनकम टैक्स कैसा निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तक का हमारा टोटल इनकम था 3,30,750। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप टू रुपीज़ 2,50,000 नो टैक्स, यानी कि निल एग्जेम्प्टेड लिमिट। फिर अगले 2,50,000 से, वैसे तो 5 लाख तक होता है लेकिन इसकी आमदनी 3,30,750 पे ही ख़त्म है, इसीलिए 80,750 डिफरेंस के ऊपर 5% निकालने पर हमें आएगा 4,037.5। तो मैं 38 ले लेता हूँ, ये है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है 4,038 रुपीज़, लेकिन अभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रिबेट माइनस करना है। रिबेट इसलिए क्योंकि जो टोटल इनकम है वो 3,50,000 से कम है, तो रिबेट है 2,500, ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। ये लेस करने पर आएगा देखिए 1,538। अब इसमें हम ऐड करेंगे हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस 3%, जो कि रहेगा 46 रुपीज़। 46 रुपीज़ जोड़ने के बाद हो जाएगा देखिए 4,851। तो हम इसे राउंड ऑफ करने पर ले सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी, आप सभी को मालूम है ना 10 रुपये का राउंड ऑफ होता है इनकम टैक्स, 1,580, यह है हमारा टैक्स लाइबिलिटी आखिरी का आंसर। तो इस प्रॉब्लम में हमने सैलरी कैलकुलेट किया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट की, साथ ही अदर सोर्सेस की इनकम कैलकुलेट की, फिर पूरे इनकम्स को लेकर के हमने टोटल इनकम कैलकुलेट किया, फिर तरह तरह के डिडक्शन जो प्रॉब्लम में दिया था उसे टोटल करके, उसका एग्जेम्प्टेड लिमिट वगैरह जो भी है सब देखकर, उसके अमाउंट्स रखकर, उसके टोटल को फिर इस टोटल से माइनस किया, तब हमें आया 3,30,750। इसके बाद में हमने इनकम टैक्स निकाला और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाना चाहिए। धन्यवाद।